यहाँ हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब के बारे में। दिलीप साहब के पुश्तैनी हवेली को लेकर पाकिस्तान के पेशावर में फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है कि उस हवेली को सरकारी जायदाद में तब्दील किया जाए, यानी कि दिलीप कुमार साहब की उस हवेली को बेचा जा रहा है। दिलीप साहब को उसकी कीमत मिलेगी, लेकिन पुश्तैनी हवेली के साथ बचपन की यादों की कीमत भला कैसे कोई चुका पाएगा दिलीप साहब का। इसलिए तो दिलीप साहब हो गए हैं बेहद इमोशनल। दरअसल दिलीप साहब की पुश्तैनी घर की हालत बहुत ख़राब पाई गई है। सोशल मीडिया पर उसकी तमाम तस्वीरें शेयर की गई है। टूटा फूटा बन चुका है पूरा का पूरा घर दिलीप साहब का पेशावर का, जहां पर उनका बचपन गुजरा, जहां उनके पूरे परिवार का बसेरा हुआ करता था। इसलिए तो टूटे फूटे घर देखकर दिलीप साहब काफ़ी रो पड़े। पेशावर क्या किस्सा ख्वानी बाजार का है, जहां दिलीप साहब बचपन में रहा करते थे। शादी के बाद पार्टी देने के लिए लोगों की पहली पसंद जो हुआ करती थी उन सभी की घरें, वो अब पूरी तरह से टूट चुकी है, जर्जर में बदल चुकी है। जी हाँ, इसलिए दिलीप साहब काफ़ी इमोशनल हो गए हैं। 100 साल पुराने घरों को खरीद कर उसे संरक्षित करने की बात हो रही है दिलीप साहब के घर की सरकार की तरफ से। दरअसल दिलीप साहब का वो पुश्तैनी बंगला जो है वो पूरी तरह से टूट कर बिखर चुका है। दीवार पूरी तरह से टूट गई है, पूरी तरह से अंदर से खोखला हो गया है पूरा का पूरा दीवार। और दीवारें ही नहीं, घर के हर एक कोने में टूटा फूटा हुआ रूप दिखाई दे रहा है। ये देखकर आप भी समझ सकते हैं कि हालत कितनी बुरी है। 100 साल पुराने इस बंगले को 12 साल से भुताहा भी कह रहा है, क्योंकि ना कोई वहां आता है ना कोई जाता है, ना तो उसकी खूबसूरती बची है ना तो वहां कोई रहने वाला। इसलिए दिलीप साहब के उस बंगले को फिर से खूबसूरत बनाने की बात चल रही है। लेकिन दिलीप साहब के उस बंगले को देखकर हर कोई भावुक हो रहा है, क्योंकि ये देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे। दिलीप साहब की करोड़ों की संपत्ति यहाँ दबी थी, यानी कि बहुत कीमती है वो ज़मीन, जो कि बंजर घर से पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। नेक्स्ट लाइन न्यूज़ रूम से तृप्ति रिपोर्ट।